महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम ना था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हर किसी दूसरे से पूछ। एक राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की इट कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे है वह उतने ही करते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं ननर होता है, और जो जितना नीचे एवं ऊंचा होता है वह उतना ही ऐठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है।